Assalamualaikum. This is Dr. Arslan Akhtar Ali. I'm founder and CEO of Psychology Experts International Mental Health Organization. कि मैं खुद 10 years bipolar affective disorder में रहा हूँ. 10 साल मैंने antipsychotics खाई हैं. पाकिस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर तक भी कोई नहीं होगा जो मैंने छोड़ा ना हो. इसके अलावा मैंने 2 दफ़ा सुसाइड्स भी की हैं. स्टॉर्टिकल इलीगल ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, जिसमें कीटामाइन इंजेक्शंस, ECT जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, TMS जिसमें मैग्नेटिक शॉक्स लगाए जाते हैं. अगर ये वाकई ही सोल्यूशन होता और ये अगर लीगल ट्रीटमेंट्स होते तो सबसे पहले मैं करवाता, ना कि मैं इतनी अजियत से गुजरता 10 साल तक, ना ही मैं 2 दफ़ा सुसाइड करता. मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है. अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर्स भी इस मुल्क में फ्रॉड करते हैं और मैं इस बात को अब एक्सेप्ट करूंगा. पहले नहीं करता था. मैं कुछ प्रूफ भी लगाऊंगा इस वीडियो के अंदर. अगर आपने आर्टिफिशियली अपनी ब्रेन की नर्व्स और डेंड्राइट्स को अगर सॉर्टिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू छेड़ दिया तो ये ऐसा ही है जैसे आपकी किडनीज फेल हो चुकी है और अब आप डायलिसिस करवा रहे हैं, यानी कि अब आपको जिंदगी भर करवाना पड़ेगा. ये जो ECT होती है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, जिसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद शॉक्स दिए जाते हैं, आप यकीन करें कि ये ट्रीटमेंट आपको शुरू में तो जब आप लगवा कर आएंगे तो आप कहेंगे वाओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, आई एम डूइंग अ वेरी गुड लाइफ, आई एम लाइक आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. कुछ टाइम के बाद आपका दिमाग कमज़ोर होने लग जाएगा, डीजेनरेटिव नर्व्स जो है रीजेनरेटिव मैनर पे स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगी. उसके बाद फिर आपको आर्टिफिशियल स्टिमुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी. एंड देन यू विल गो टू योर डॉक्टर एंड यू विल टेल देम अब तो ये हो गया, क्या करें. और इसके साथ साथ मेडिसिन के पैसे अलग, लोग 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर. डॉक्टर कहेगा अब तो आपको सारी ज़िंदगी करवाना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी दिलो ख्वार होते रहेंगे. इसके ऊपर जो FDA, अगर हम बात करें, एनीथिंग विच इज़ लीगल कम्स अंडर FDA, आप यकीन करें कि ये बैंड हुआ अमेरिका के अंदर. 1950 से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. जुडिशियल हेयरिंग्स होती हैं, जुडिशरी जो होती है वो अलाउ करती है स्पेशल केसेस में, जब किसी बंदे को आर्जी तौर पे ज़िंदा रखना होता है, जब सब चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं और वो 45 ईयर्स से अबव होना चाहिए उस बंदे की जो एज होती है. इससे कम ये इलीगल है, बैंड है. 45 ईयर्स से अबव भी अगर ECT करनी है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी करनी है, तो उसके लिए जुडिशियल हेयरिंग्स होंगी और वहाँ पर बाकायदा ऑफिशियली अप्रूव्ड होगा कि इस फलां क्लाइंट को ये चीज़ करनी है. पहली बात तो ये है कि ये जो ये इलाज है ये एक साइकेट्रिस्ट अकेले कर ही नहीं सकता, इसके लिए प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए जिसको हम कहते हैं P-licensing, जिसमें प्रॉपर पूरी टीम होती है. मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करता हूँ. ये कोई प्रोफेसर साहब थे, ये मेरे सामने आए, जो कि एक वीक के अंदर अंदर शॉर्टेस्ट थेरेपी जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है जो कि ठीक कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मैं रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग नहीं कर सके. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मैं रिसर्च करता हूँ, वहाँ पर हम लोग नहीं कर सके. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में मैं रिसर्च करता हूँ, वहाँ पर हम नहीं कर सके. वो सारे आज तक कोई शॉर्टेस्ट थेरेपी नहीं निकाल सके, इन प्रोफेसर साहब ने निकाल ली. पहली बात तो ये प्रोफेसर नहीं है, इनका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये किस तरीके से मीडिया पर आते हैं और ये कैसे गुमराह करते हैं और कैसे इन्होंने पैसे बटोरे हैं, वो सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं. मैं मज़ीद सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वाकई ही अगर ये जो करेक्टर और वैल्यू है, इसमें उम्र की कोई हद नहीं है. कि अगर आप पॉइज हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो काले बालों के साथ भी ईमानदार हैं, और अगर आपने घटिया हरकतें करनी है तो आप सफ़ेद बालों के साथ भी करेंगे. रिजवान ने एक अपनी एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर एक पेशेंट था जिन्होंने मुझे बताया कि उनको ECT मशीन लगी थी, उसके बाद उनके पास साइड इफेक्ट इस तरीके से आ रहे थे कि वो कहते थे कि मैं जब देखता हूँ तो मेरी आंखों की साइडों में एक चमक जैसी महसूस होने लगी है, कि जैसे कोई सितारा चमक रहा है या कुछ इस तरीके की जैसे चमक होती है ना, और बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो गए थे. तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरीके का जो है बेवकूफ़ी वाला स्टेप लिया जाए कि ECT मशीन को लगाया जाए.